हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हम सीन सेटअप कर रहे थे उसमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, हम उसको यहाँ पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ स्ट्रीट लाइट्स डालेंगे। अभी यहाँ पे जब रोड होता है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होता ही है, तो हम लोग वहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट बनाएंगे। तो स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए आप वन प्रेस कीजिए, शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और यहाँ से सिलेंडर ले लीजिए और यहाँ पर जो वर्टिसेस है इसको 16 कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ये सिलेंडर है और यहाँ से जब इसका रेडियस नहीं बढ़ाना, हमको इसको छोटा करना है। और यहाँ से जो डेप्थ है इसका, इसको बढ़ाइए। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 टाइप कर दिया तो ये बढ़ गया और इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो चुका है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हो गया। अभी हमको ये इस तरह का दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा यहाँ पर। और हम स्ट्रीट लाइट यहाँ पे रखने वाले हैं, तो हम लोग पहले देख लेते कितना बड़ा होगा। हमारा स्ट्रीट लाइट इतना बड़ा होगा और थोड़ा छोटा होगा तो टैब प्रेस कीजिए तो एडिट मोड में आएंगे। वो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाइए, उस ट्रांसपेरेंसी को ऑन कीजिए, इस सब को सिलेक्ट करके इसको नीचे लेके आइए। तो स्ट्रीट लाइट इतना होता है पेड़ के, थोड़ा पेड़ जैसे पेड़ सब होता है तो ज़्यादा लंबा होता है और बाकी स्ट्रीट लाइट छोटा होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे और एस प्रेस करके इसको इतना छोटा कर लेंगे ऐसे। तो नज़दीक से देखते हैं तो ये इस तरह से होगा और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे ऐसे, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे। जब ये हो जाए इसको सिलेक्ट कीजिए और ई प्रेस करके जेड एक्सिस में यहाँ लीजिए और आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। ई प्रेस करके फिर ऐसे एक्सट्रूड कीजिए, आर प्रेस करके रोटेट कर लीजिए, फिर ई प्रेस करके ऐसे एक्सट्रूड कीजिए, आर प्रेस करके इसको रोटेट कर लीजिए और फिर ई प्रेस करके ऐसे एक्सट्रूड कर लीजिए या थोड़ा नीचे और थोड़ा सा हम और झुकाएंगे, ऐसे कर लीजिए। ई प्रेस करके अब यहाँ पे कर लीजिए तो ये ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और एस प्रेस करके इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं और इसको भी सिलेक्ट कीजिए, एस प्रेस करके इसको थोड़ा इतना छोटा कर लीजिए। जब ये हो जाए तो अल्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पे जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लूप में सब सिलेक्ट हो जाएगा और आर प्रेस करके ऐसे थोड़ा इसको रोटेट कर लीजिए और इसको थोड़ा इधर की तरफ कर लीजिए। इसको भी सेम अल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे और आर प्रेस करके इसको थोड़ा ऐसे मूव कर लेंगे कि थोड़ा हमको राउंड शेप मिले। अल्ट में इसको सेलेक्ट कीजिए और आर प्रेस करके इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर लीजिए। अल्ट प्रेस कीजिए इस पर और आर प्रेस करके इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए, एस प्रेस करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। जब ये हो जाए तो यहाँ पे जाइए ए सिलेक्शन मोड में और अल्ट में इस सब को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल बी प्रेस कीजिए और माउस को थोड़ा ड्रैग कीजिए और जब मेन बटन है मिडल बटन, जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये कट लेंगे, तो हमको यहाँ पर इतने कट्स लगा लेने हैं या थोड़ा सा इसको इतना बड़ा रख लेना है। सेम हमको यहाँ पे अल्ट प्रेस करके जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करके माउस को ड्रैग कीजिए, आप छोटा जितना इसको लूप में रखना उतना हम रख लेते हैं। तो अल्ट प्रेस करके सेम यही फॉर्मूला, कंट्रोल बी और बेवल करते हैं तो यहाँ पे हम दो कट करीब रख लेते हैं और अल्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हैं और आर प्रेस करके इसको थोड़ा इतना मूव करते हैं, इसमें इसको भी अल्ट प्रेस करते हैं, आर प्रेस करके थोड़ा मूव करते हैं, शिफ्ट बी प्रेस करके इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेते हैं और अल्ट में इस सब को अल्ट प्रेस करके सबको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट भी प्रेस करके इसको थोड़ा यहाँ पे ले लीजिए और आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए या इसको अल्ट में सेलेक्ट करके कंट्रोल बी यहाँ भी कर सकते हैं आप। तो आप देख रही है राउंड शेप का आपका इस तरह से बन गया। अगर लग रहा है यहाँ पर पतला है तो अल्ट में इस सबको सेलेक्ट कीजिए, आर प्रेस करके इसको थोड़ा ऐसे मूव कीजिए, अल्ट प्रेस कीजिए, ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, आर प्रेस करके ऐसे रोटेट, अल्ट में सेलेक्ट करके आर प्रेस करके ऐसे रोटेट, तो अभी थोड़ा ओके दिख रहा है। इस तरह का स्ट्रीट लाइट हमारा होता है। जब ये हो जाए तो हमको यहाँ पे कुछ लगाना है। एडिट मोड में आके शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से यूवी स्फीयर को लेंगे। यूवी स्फीयर है जो इसकी सेगमेंट है, इसको आप यहाँ पर 16 कर दीजिए,
स्क्रॉल कीजिए तो ये यहाँ पे है, तो एस प्रेस करके इसको छोटा कर लीजिए और जी प्रेस करके यहाँ पे रख लीजिए, एस प्रेस करके और छोटा कर लीजिए और जी प्रेस करके इसके सामने लगा दीजिए। हम इसको कवर करने के लिए, एक डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पे रख रहे थे, एस प्रेस करके मैं छोटा कर रहा हूँ और बाकी इधर मूव कर रहा हूँ। एस कंट्रोल जेड, एस प्रेस कीजिए और इसको जितने साइज में होता उतने में फिट कर लीजिए। आर प्रेस करके रोटेट करके भी देख सकते हैं आप। टैब प्रेस करके देखता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, इसको शेड स्मूथ करता हूँ। ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसको और थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि इसके अंदर कवर हो जाए, तो इधर से मेरे को दिखना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। तो ये जहाँ तक फिट ना हो जाए हम इसमें रखेंगे। एस यहाँ से देखते हैं, यस इसके अंदर ये फिट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक लाइट लगाएंगे। लाइट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड में ही रहिए, ओके, फिर शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और यहाँ से यूवी स्फीयर को लीजिए, तो आप जितना पिछले बार भी सेट किए तो उतना रहेगा। तो यहाँ पे जाके हम इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक्स एक्सिस में यहाँ कर लेते हैं, एस प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं और जेड एक्सिस में यहाँ पे लेते हैं, एस प्रेस करके और छोटा कर लेते हैं, करीबन इतना, तो इतना हम रख लेते हैं। जब ये हो जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टेक्स सिलेक्शन बोर्ड में जा रहे हैं, इसको ऑफ रखिए और यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस कीजिए तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर ई प्रेस करके जेड एक्सिस में यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो यहाँ पे रख सकते हैं या इसके अंदर नीचे सीधा रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रख दिया हूँ और इसको यहाँ पे शेड स्मूथ कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए और शेड स्मूथ कर दीजिए, ये स्मूथ हो जाएगा। ये लाइट यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको कलर करूँगा, तो यहाँ पे जाता हूँ और न्यू कलर ले लेता हूँ, और फिर ये सब एक ही कलर में है तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पहले फुल ब्लैक कर देता हूँ। जब ब्लैक हो जाए तो इसको सिलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कीजिए, तो एडिट मोड में आएंगे आप, इसको ऑन कीजिए और इस सब को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस 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 करते जाइए जब तक कि ऊपर वाला सिलेक्ट ना हो जाए। तो फेस सिलेक्शन मोड में जाइए, तो इतने फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इसको ऑफ कीजिए, यहाँ से न्यू कलर ले लीजिए और ये जो वाइट है यहाँ पे असाइन कर दीजिए, तो ये वाइट हो जाएगा। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और फिर यहाँ पे देखिए इस पर हमको लाइट लगानी है, तो प्रिंसिपल जो सरफेस दिख रहे प्रिंसिपल पे क्लिक कीजिए लेफ्ट, कहाँ पे हम है पहले मेटल व्यू में, इसका जो वाइट कलर डाले हैं यहाँ पे हमने इसको रखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखना है। उसके बाद प्रिंसिपल सरफेस में जाके जो प्रिंसिपल बीएसडीएफ है इस पर जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से एमिशन को चूज करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कलर वाइट है यहाँ पर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को इनक्रीज कीजिए, तो आप देख रहे हैं ये लाइट इनक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो आप मान के चलिए मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ, 15 हो गया। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाइए रेंडर में, ये देख रहे हैं ब्लूम, इसको ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर दीजिए, इस तरह का ये आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को ये ऐसा दिख रहा है, बट पूरा अंधेरा दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आपका लाइट थोड़ा इस तरह से होगा, तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, लाइट पूरी तरह से सेट हो चुका है, तो ये स्ट्रीट लाइट बन गई। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रीट लाइट बनाना सीखा, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है तो हमको जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।